हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप क्लास 9th 2024 का देना चाहते हैं उनका सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग को डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी है। अगर जो आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार टाइम निकाल करके जा करके उसको देख लीजिएगा और सारी जानकारियों को एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर जो कोई जानकारी नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है, हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस, यानी कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और पेपर पैटर्न, यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। जो बच्चे हमारे नए चैनल पर हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके बाद में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि जो बच्चे पुराना वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, आपका पेपर जो होगा OMR शीट पर होगा, इसमें कितने 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन क्या होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। इसके लिए टाइम की बात की जाए तो टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा जो पूरा पेपर होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी सब्जेक्ट एकदम अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, हालांकि मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका होगा गणित, गणित से कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आएगा आपका विज्ञान, उससे कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस, इससे कितने 25 क्वेश्चन। और लास्ट में जो आपका जीके जीए होता है, ठीक है, इससे कितने 20 क्वेश्चन। टोटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 50 और 50, और यहाँ से 20 स्क्वायर करेंगे 50 50 कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसके लिए एक एक नंबर है, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे, तो यहाँ पर लिखा भी गया, आप लोग देख लेंगे। और अगर जो आप लोग कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत करेंगे तो उस पर नंबर नहीं काटा जाएगा, इसको देख लेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बताया गया 150 मिनट का टाइम मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना होगा, 100 क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम देना है। अब इसके बाद में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग 9वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो NCERT क्लास 8 वाला आपका सिलेबस होगा, ठीक है। अब NCERT क्लास 8 में जितने भी सिलेबस आप लोग पढ़े होंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। हालांकि मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 9th वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टाइम टेबल है, आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मैथ की क्लास होगी इसको भी अटेंड करेंगे, और जो साइंस की क्लास होगी इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करते रहेंगे, ठीक है, सभी बच्चे। बाकी हिंदी आपके सिलेबस में नहीं है तो हिंदी के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं, हिंदी नहीं अटेंड करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया सोशल साइंस, ठीक है, साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं और सी क्या है, तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ, ठीक है। तो मैथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जितने चैप्टर, क्या करेंगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से क्या करेंगे सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। उसके बाद में देखिए आपकी क्लास भी हिंदी मीडियम में भी चलेगी और इंग्लिश मीडियम में भी चलेगी, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले रहेंगे उनको भी समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आएगा। बाकी उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका एक चर में रेखीय समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद में तीसरा चैप्टर आपका होगा क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, ठीक है, यानी कि चतुर्भुज से संबंधित जो, ठीक है, फिगर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना यहाँ पर होगा। उसके बाद में डाटा हैंडलिंग, उसके बाद में क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे आप लोग कहते हैं वर्ग, और क्या होता है वर्गमूल होता है। उसके बाद में घन तथा घनमूल, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके बाद में आपका एक चैप्टर होगा कंपेयर क्वांटिटी, ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है
कंपेयरिंग क्वांटिटी यानी कि मात्राओं का तुलना इसमें आपको पढ़ना होगा। प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक है, और वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर है। इन सारे चैप्टर के बारे में यहाँ पर आपको एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करना होगा, ठीक है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन भी इनसे बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में और सारे चैप्टर की बात की जाए तो और चैप्टर देख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर और आपके एग्जाम में, ठीक है, कहाँ तक हो गया है आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि मात्राओं की तुलना। उसके बाद में जो आएगा आपका बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें क्या होता है आप लोग एलिजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं कभी कभी आप लोग प्रसार करते हैं यानी कि एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी आइडेंटिटी लगा करके उसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, इससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको भी एकदम अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा घातांक एवं करणी यानी कि घात एवं घातांक भी कहते हैं बहुत से बच्चे, ठीक है, तो इसको भी पढ़ना आपको। उसके बाद में आपका आ जाएगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि जो आप लोग पढ़ते हैं अनुपात वाला चैप्टर, ठीक है, इसको पढ़ना। उसके बाद में फ्रैक्शन पढ़ना है यानी कि फैक्टराइजेशन पढ़ना, ठीक है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है यानी कि गुणनखंड पढ़ना है। इसके बाद में आपका आ जाएगा ग्राफ वाला चैप्टर, ठीक है। ये 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, इन बचे हुए दिनों में, ठीक है। बचे हुए दिनों में क्या मतलब, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अगर जो आप लोग इसी समय से तैयारी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन से अगर जो बाद में सोचेंगे कि फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब इसके बाद में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो साइंस में वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चैप्टर दिए गए हैं, इनको हम लोग एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं, और एक बार क्या करिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर आपका होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद में माइक्रो जो होते हैं उसके बारे में, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, हमारे मित्र कैसे हैं और कैसे ये शत्रु हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना। उसके बाद में कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, वो वाला चैप्टर पढ़ना, ठीक है, जितना मतलब जितना एनसीईआरटी में सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। कोल वाले चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, कोयला का प्रकार क्या होता है, पेट्रोलियम का प्रकार क्या होता है, इनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। इसके बाद में आपका आएगा एक चैप्टर, ठीक है, दहन और ज्वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोग को ज्वाला के प्रकार बताए जाते हैं, कौन सा ज्वाला किस तरह से जलता है, तो आप लोग बताएंगे कि अच्छा है, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा होगा ये, ठीक है। अगर जो इससे मतलब लो देख करके हम लोग बता देते हैं कि इसका लो इस तरह से, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर कम होगा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में नया चैप्टर एक स्टार्ट होगा, ठीक है, आपका कि पौधों एवं जंतुओं का संचरण, ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में जंतुओं में जनन, ठीक है, यानी कि ये आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगे, किशोरावस्था जो है। इसके बाद में आ जाएगा फिजिक्स का चैप्टर यानी कि बल और दाब, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इतने चैप्टर तो इधर हो गए हैं, बाकी और सारे चैप्टर अभी पढ़ने हैं हमको, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कहाँ तक हो गया, हाँ फोर्स वाला तक हो गया। इसके बाद में फ्रैक्शन यानी कि घर्षण के बारे में पढ़ना आपको। उसके बाद क्या हो जाएगा साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विद्युत वाला चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी चैप्टर, हर बार क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना, और लास्ट चैप्टर हमारा आ जाएगा लाइट, ठीक है। तो ये 13 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं साइंस में, ठीक है। उम्मीद है आपको साइंस वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी बच रहा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में भी आप लोग वही जान लीजिए, SST जो है उसमें भी आपको NCERT के जितने भी सिलेबस दिए गए उनको पढ़ना, तो उनको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ यहाँ पर उसको समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आपको जब सुग्रीन सर क्लास कराएंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे, आप लोग उसको भी एकदम अच्छे तरीके से देख पाएंगे, ओके। अगर जो प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, अगर जो लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब सभी बच्चे जरूर करेंगे, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है, आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलता रहेगा, हर बार टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग अपना टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सारी क्लासेज आपको फ्री दी जाएंगी, यूट्यूब पर दी जाएंगी, तो तैयारी से आप लोग अपना रिजल्ट बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी जानकारियाँ समझ में भी आई होंगी। अगर जो समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे, ओके। बाय बाय प्यारे बच्चों।